सुन रहे हैं, तो मेरा एक्चुअल में जो था सोच के भी आरटीसी नंबर लीडर्स रहेंगे तो उन्हीं के लिए मैंने वो प्रिपरेशन किया था, पर फिर भी आज डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी हैं तो मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूंगा कि उनके लेवल पे भी कुछ ना कुछ मैसेज जाए। तो देखिए, जो मेन मैंने आज के लिए टॉपिक निकाला आप लोगों को समझाने के लिए, वो है जो अभी हमारा अनाउंसमेंट, रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ, जो इसी मंथ, जो माय लाइफस्टाइल का मंथ है 134, जिसका आज मेरे ख्याल से ये चौथा या पांचवा दिन चल रहा है और ये लागू हो चुका है। तो इसमें जो मेन चीज है वो है जो परफॉर्मेंस बोनस कम किया गया रैंक होल्डर का, टीसी का, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर का, और प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर तक कम हो गया और इसमें नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर ऐड हो गए। तो अब अगर मैं रीजनल टीम मैनेजर कोऑर्डिनेटर की तरफ से अगर मैं बात करूं कि भाई उनको अब इस अनाउंसमेंट को लेके क्या करना है, वो तो मैं बताऊंगा ही, पर पहले जितने टीम कोऑर्डिनेटर आज की डेट में जो मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि अब ये जो 1-1 लाख बीवी मैचिंग है, अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 134 मंथ के अंदर मेरे को मेरा परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना है। तो आज ये जो बिजनेस है, ये जिसमें हम आगे बढ़ते हैं, जब तक हमारे सामने कोई टारगेट नहीं होगा, वो हमारी गति वो नहीं आ पाती, क्योंकि फिर हम दिशा जो है हमको नहीं पता, गति नहीं पता। पर आज आपको अपना टारगेट, जैसे बोलते ना बिजनेस क्यों कर रहा हूं, तो फिलहाल के लिए आप यही टारगेट बनाइए कि मेरा इस बिजनेस में फिलहाल पर्पज ये है कि मेरे को परफॉर्मेंस बोनस हर महीने अचीव करना है, ये आपका पर्पज होना चाहिए। तो आज 1 लाख मैचिंग करना एक टीसी के लिए मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम नहीं है, अगर वो डेली पार्ट टाइम भी करेगा, डेली 3 से 4 घंटा भी अगर इसके ऊपर टारगेट बेस्ड काम करेगा, तो समझ लीजिए 1 महीना है और 1 लाख बीवी मैच करना है, तो इसको आपको वीक में डिवाइड कर देना है 25,000 मेरे को वीक का टर्नओवर करना। अब वीक के 7 दिन होते हैं, तो इस 7 दिन को अगर आप डिवाइड करोगे तो करीब आपका 4,000 या 3,000 के हिसाब से आपका डेली का 4 घंटे का आउटपुट टर्नओवर का आपकी साइड पे होना चाहिए। अगर आप डेली का 3 से 4 हजार का अपनी टीम के थ्रू या खुद के थ्रू अगर आप ये टर्नओवर जनरेट करते हैं, तो आराम से आप हफ्ते का 25,000 कर सकते हैं, और हफ्ते का 25,000 कर लिया तो महीने का 1 लाख रुपए हो जाता है। तो अभी इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपका डेली टारगेट 3,000 बीवी मेरे को डेली इस बिजनेस से पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा इस तरह से प्रोडक्टिव काम करना है कि मेरा परफॉर्मेंस बोनस अचीव हो जाए। अब अगर आप आज 2,50,000 मैचिंग पे अगर आज आप टीसी बने हैं, तो आज आपको एटीसी बनने के लिए सिर्फ 2 या 3 परफॉर्मेंस बोनस अगर आप अचीव करोगे तो 3 महीने के अंदर आप एटीसी बन जाओगे। तो अब जितने भी एटीसी है उनका क्या काम है, इस टीसी को डेली का 3,000 का बीवी का सपोर्ट देना है। तो अगर इनका टीसी, एटीसी का अगर टीसी इसके अंदर परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनेगा, तो 2 लाख का बीवी का बिजनेस एक एटीसी को मिलता है, तो वो खुद भी परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन जाता है। उसको करना क्या, हेल्प करना एक टीसी को। तो उसी तरह एक डीटीसी की ड्यूटी है, या तो टीसी या एटीसी, दोनों में से ये एक रैंक आप बेस्ट ये है कि इन दोनों रैंक को हेल्प करो, ताकि एक टीसी अगर परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनेगा तो डीटीसी भी बन जाता है। तो आज अगर मैं रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर की बात करूं, तो आज उनका रोल प्ले क्या होता है इस बिजनेस में, वो सीनियर लेवल पे आ चुके हैं, और इस बिजनेस में जैसे मेरा मानना है कि सबसे दो जो अजीबो गरीब जिसको बोलते हैं, मैं इसको अजीबो गरीब तो नहीं बोलता हूँ, मेरा वर्ड गलत है, मैं इसको ये बोलूंगा जो टफ रैंक है वो है टीसी और एसटीसी रैंक, क्योंकि टीसी बनते हैं लोग पर एटीसी नहीं बन पाते, बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट टीसी के बाद ही हो जाते हैं, तो ये कि खतरनाक रैंक हो जाता है। और दूसरा एसटीसी एक ऐसा रैंक है कि एसटीसी बनने के बाद आरटीसी बनने में 2 से 3 से 4 साल लग जाते हैं एक एसटीसी को। तो आज अगर इस परफॉर्मेंस बोनस जो मैनेजमेंट ने आज ये जो क्राइटेरिया कम किया, अगर हमने इसको बराबर से समझ लिया और अप्लाई किया, तो मैं बताता हूँ अब तक जो आपने काम नहीं किया, जो आपने 1.5-2 साल में एक एसटीसी ने काम नहीं किया, वो एसटीसी आज चाहिए तो वही काम वो 6 महीने के अंदर पूरा कर सकता है, जो 1.5 साल का उसका प्रोग्रेस है वो 6 महीने में कर सकता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर रैंक के हिसाब से इनकम लेना है तो रैंक अचीवमेंट प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। तो अगर एक रैंक से दूसरे रैंक में जाने के लिए अगर हमने ज्यादा टाइम लिया, तो वो रैंक जो आ तो जाता है पर वो रैंक का इनकम नहीं आता। रैंक का इनकम तब आता है जब मेरा कंटिन्यूस रैंक चेंज हो। तो किसी भी लेवल पे अगर रैंक चेंज करना है मेरी पूरी टीम को, अगर मैं आरटीसी हूं तो मेरे एसटीसी का रैंक चेंज होना चाहिए, एसटीसी का रैंक चेंज होने के लिए जेडटीसी का होना चाहिए, जेडटीसी का रैंक चेंज होने के लिए डीटीसी का होना चाहिए, डीटीसी के होने के लिए एटीसी का होना चाहिए, पर मेन बेस जो है वो टीसी। टीसी अगर रैंक चेंज करेगा तो वो एक पुराने एरिया टीम कोऑर्डिनेटर को डीटीसी बनाएगा, पुराने डीटीसी को जोनल टीम कोऑर्डिनेटर बनाएगा, इस तरह से ये ट्रिपल इफेक्ट टीसी बनाने का। तो हमारा काम क्या है आज,
जितने भी हमारे टीसी जो एक्टिव है इन सबको डेली 3,000 के टारगेट दे के इनका मॉनिटरिंग, इनका सपोर्ट, इनको हेल्प करके हमको परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जितने एसटीसी मुझे सुन रहे, क्योंकि आपका रैंक 25 लाख से 75 लाख तक पहुंचने का, ये जो 50 लाख का जो टारगेट होता है, क्योंकि 25 ही लेके आए और 50 और करना है, वो माइंड के ऊपर इतना खेलता है कि दिशा बिल्कुल जो है अपनी खो देता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है आपके टीसी लेवल पे या आपके एटीसी या डीटीसी जो भी आपके नीचे एक्टिवली ये जो 3-4 रैंक है इनको परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर लेके जाना है। तो इसमें आरटीसी को भी मदद करनी है, एनटीसी को भी मदद करनी है, क्योंकि अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको टाइमली रैंक चेंज भी करना है और टाइमली रैंक चेंज नीचे वाले भी करने चाहिए। तो नीचे का रैंक और ऊपर का रैंक चेंज कौन कर सकता है, वो टीसी और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। वहां से अगर ये बिजनेस बढ़ेगा तो सबके रैंक चेंज होते, तो वो टाइम पे रैंक चेंज होना मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक एसटीसी आज आरटीसी बनने में अगर 3 साल लगेगा तो वो आरटीसी तो बन जाएगा पर इनकम उस हिसाब से नहीं आता। सेम आज टीसी का भी है, आज ड्रॉप आउट नहीं होकर परफॉर्मेंस बोनस अचीव करेगा तो कहीं ना कहीं एटीसी बनेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर विश्वास आता है, तो वो बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ये गेम चेंजर है, अगर हम इसको समझ गए ये गेम चेंजर है मेरी टीम के लिए। मेरा पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी अब तक का पूरा रीराइट आप कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे। तो मेरा अब टारगेट क्या है कि टाइमली मैं और मेरी टीम रैंक चेंज करे ताकि मैं सिर्फ रैंक होल्डर ना रहूं, रैंक होल्डर के हिसाब से मुझे इनकम भी आए, मेरे रैंक के हिसाब से मेरी इनकम आनी चाहिए। ये मेरा आपके आज के बाद से इस महीने से ये टारगेट होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। एक्चुअली जैसे मैंने बताया प्रिपरेशन मैंने एसटीसी के लेवल का किया था और क्योंकि कंटिन्यूस ट्रैवल में था तो ये कर नहीं पाया। तो समझ लीजिए एक एसटीसी है, अब उसका रोल क्या होना चाहिए, ये जो अनाउंसमेंट हुई उसको लेके उसको किस चीज में फोकस करना है। जैसे मैंने बताया टीसी का उसको परफॉर्मेंस बोनस के लिए अब मैदान में उतरना है। तो अगर उसने एक महीने में 3 टीसी को भी परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनाया, 3 टीसी को, और समझ लो इनका प्लेसमेंट ऐसा है कि तीनों एक के एक नीचे है, एक ही साइड पे तीनों एक के एक नीचे है। तो अगर एक सीनियर टीसी उसके नीचे दूसरा टीसी और उसी के नीचे तीसरा टीसी, अगर ये तीनों भी अचीव करते हैं तो एक साइड का हेल्प तो सबसे नीचे वाला टीसी सबको दे देगा दोनों को। अब ये सबसे नीचे वाला टीसी अगर अपना परफॉर्मेंस बोनस अचीव करेगा तो 1 लाख एडिशनल एसटीसी को भी देगा, एडिशनल वो अपने ऊपर वाले टीसी को भी देगा, ये सबको देगा। तो अगर आप उस कैलकुलेशन चलेंगे अगर 3 टीसी को भी मैंने महीने में परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनाया तो मिनिमम 4 लाख बीवी का मेरा इन लोगों का टर्नओवर मेरे पास आता है एसटीसी लेवल पे। तो आप मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं यह काम आराम से है, 3 टीसी को हमको परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनाना है। 3 टीसी अगर मतलब जिसको बोलते हैं एक के नीचे एक भी प्लेस हुए तो 4 लाख बीवी का हमको टर्नओवर मिलेगा। अब समझ लो 4 लाख बीवी का टर्नओवर मिला है ना, तो अब टीसी और एसटीसी के बीच में और भी एक्टिव लोग रैंक होल्डर होंगे। अब मैं एग्जांपल के लिए पकड़ता हूँ, समझ लो एक डीटीसी है, अब इस डीटीसी के नीचे ये 3 टीसी है, तो अगर आज हमने डीटीसी के ऊपर भी जोर दिया कि तू भी परफॉर्मेंस बोनस अचीव कर, तो डीटीसी का परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना मतलब उसको इन टीसी के जो अपोजिट ऑर्गेनाइजेशन है उधर 2 लाख का बीवी और करना है। तो ये जो एसटीसी है इसको 4 लाख टीसी की साइड से भी आया और 2 लाख इसको डीटीसी के दूसरी साइड से भी आया, तो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख बीवी एडिशनल 2 लाख बीवी अगर वो बीच के किसी एक रैंक होल्डर को भी बनाता है तो मिनिमम ये वो ला सकता है। तो आज एसटीसी अगर एक पूरे महीने में इन्हीं चीजों पे काम करे, इन्हीं चीजों पे फोकस करे, ये 4-5 लोगों पे फोकस करके परफॉर्मेंस बोनस के लिए इनके साथ में ग्राउंड पे फील्ड पे जाके काम करे, स्ट्रेटेजी बनाए, प्लानिंग दे, हेल्प करे, सपोर्ट करे, ग्राउंड पे उतरे, और इन लोगों का अगर ये कामयाब हो जाता है 4 लोगों को परफॉर्मेंस बोनस अचीव करवाने में तो इस एसटीसी को 6 लाख बीवी का बिजनेस आता है। तो 6 लाख बीवी का बिजनेस अगर एक महीने में एक एसटीसी को आता है तो एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी होगी, अगर हम 6 लाख का 12% भी पकड़ेंगे तो कितना होता है, करीब 70-72 हजार रुपये होता है। इसके ऊपर से ये परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बाय डिफॉल्ट बन जाता है। तो आज एसटीसी को अपना परफॉर्मेंस बोनस अगर निकालना है तो उसको करना क्या है, नीचे 3-4 लोगों का परफॉर्मेंस बोनस अचीव करवाना है। तो अगर नीचे 3-4 लोगों का परफॉर्मेंस बोनस अचीव करवाया तो इसको 70,000 रुपीज 6 लाख इस हिसाब से आता है, प्लस इसका खुद का परफॉर्मेंस बोनस, और इन केस अगर ये थर्ड लेग पे अगर लॉयल्टी भी लेता है या एसटीसी की भी लॉयल्टी लेता है तो ये सब मिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं रैंक इनकम मिला के एक एसटीसी इस महीने से 1 लाख रुपए एवरेज कमा सकता है अगर वो फील्ड पे सिर्फ 4 से 6 घंटा भी इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है।
और दूसरा काम क्या होने वाला है, समझ लीजिए आज आप एसटीसी हो जिसका मैचिंग जस्ट पिछले महीने 25 लाख हुआ और इस महीने वो एसटीसी बना। अब ये जो नया एसटीसी अगर इस फॉर्मूले पे काम करता है तो महीने का 6 लाख बीवी ये निकालता है। महीने का 6 लाख बीवी निकालने का मतलब है अब इसको 50 लाख बीवी चाहिए रैंक चेंज करने की। 50 लाख बीवी चाहिए मतलब 6 लाख अगर पर मंथ निकालेगा तो कितने महीने में हो जाएगा ये, 8 मंथ्स के अंदर एक एसटीसी प्रैक्टिकली सही काम करेगा, आराम से ये आरटीसी बन सकता है। अब ये 8 महीने में आरटीसी बनेगा तब जाके इसको रैंक का इनकम आएगा। हमको रैंक नहीं चेंज करना है, हमको टाइमली रैंक चेंज करना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब होगा क्या कि मेरी पूरी टीम परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर चल रही है और परफॉर्मेंस बोनस का कॉपी पेस्ट अगर एक टीसी ने नीचे किया तो आप समझ लो आने वाला जो टाइम है आपका नेक्स्ट रैंक के लिए वो इतना कम हो जाएगा अगर हमने प्रॉपरली इस चीज को फोकस किया। तो आज मुझे करना क्या है, आज मुझे सिर्फ जो कंपनी ने अनाउंसमेंट की उसकी गहराई से सोचना है, इसकी स्ट्रेटेजी बना और मिनिमम जो मैंने बताया इतना भी कर लिया तो इतना काम हो जाता है। तो आज मेरे को सिर्फ इसी चीज के ऊपर मैंने सोचा था आज इसके ऊपर बात करता हूँ कि जो कंपनी ने किया ये कितना बड़ा एक डिसीजन है फील्ड के लिए और कितना बड़ा ये आउटपुट दे सकता है। तो ये एक्चुअल में आप मानो मत मानो जो भी इस पे काम करेगा वो खुद बोलेगा ये गेम चेंजर है, ये जो अनाउंसमेंट हुई है वाकई में गेम चेंज करने वाली अनाउंसमेंट है। और एक दूसरी जो कहावत है इस इंडस्ट्री के लिए जो सब लीडरों को पता है कि अगर आप लोगों को बिल्ड करोगे अपने टीम में तो ये लोग सारी जिंदगी आपको बिजनेस लेके आएंगे। ये नेटवर्किंग का सक्सेस होने का एक प्रिंसिपल है कि लोगों को डेवलप करना है, टर्नओवर के पीछे नहीं भागना है। तो आप बाय डिफॉल्ट अगर आप ये काम करते हो तो आप क्या कर रहे हो, अब आप ये सिलेक्टेड ग्रुप का आपको पता चल गया कौन मेरे साथ भागने के लिए तैयार है। तो मैं इधर उधर डीमोटिवेटेड लोगों को, बहाना देने वाले लोगों के पीछे नहीं भाग रहा हूं, मैं उनके पीछे भाग रहा हूं जो वाकई में परफॉर्म करने के लिए तैयार है और परफॉर्म करने के लिए मेरे साथ में भाग भी रहे। तो ये आपका एक सिलेक्टेड ग्रुप बनेगा, मतलब जिनको आपको डेवलप करना है। अब एक टीसी से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आपके पास एक ऐसी लिस्ट आएगी जो बिल्कुल फिल्टर्ड लिस्ट, प्रीमियम लिस्ट, जो काम करने के लिए तैयार है। अब आप सिर्फ 74% फोकस भी अगर इनके ऊपर दोगे ना तो मैं बताता हूँ आने वाली टीम में ये आपके बड़े बड़े पिलर बन जाएंगे और आपको एनटीसी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया एसटीसी लेवल पे। तो अब इससे ऊपर के जितने भी रैंक है तो इससे ऊपर के जैसे एनटीसी, आपका काम क्या है, एक आरटीसी और एनटीसी इनका काम है ये बॉटम लेवल तक स्ट्रेटेजी बना के कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस दिखाते हुए, अपना रोल प्ले करते हुए ये पूरा कार्यक्रम करना है। मैं बोलता अगर इस तरह से किया तो एक आईटीसी को डब्ल्यूटीसी बनने में टाइम नहीं लगेगा, एक डब्ल्यूटीसी को जीटीसी बनने में टाइम नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे दो मेन खतरनाक रैंक है, जो सबसे गड़बड़ वाले रैंक जिसको हम बोलते हैं, टीसी जो एटीसी नहीं बनता और एसटीसी है जो जल्दी से रैंक नहीं चेंज करता। तो अगर परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर फोकस किया तो ये दोनों प्रॉब्लम जो आज हमारे बिजनेस में जो हमको दिखाई देती है पर इलाज समझ में नहीं आता था, वो इलाज ये परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना करवा सकता है। मैं जाते जाते इतना ही बोलूंगा कि लोगों को डेवलप करना है इस बिजनेस में। एक बार आप लोग डेवलप कर लिया तो जैसे मुबीन सर ने बोला उसके बाद ईगो मत लेके आना, सिर्फ इनको अपने साथ में सारी जिंदगी अपना भाई बना के रखना। ये सारी जिंदगी मेरे साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा सब कुछ ये मेरे साथ में रहेंगे। ये मेरा ग्रुप जो अब तैयार होगा ये सारी जिंदगी मेरे साथ में रहेगा, इसमें ईगो कोई काम नहीं है, हम सब मिलजुल के एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो जितने टॉप लीडर सुन रहे आज आपका इतना ही है कि इस चीज को अगर आपने प्रमोट किया तो आज मेरा काम यह है कि मैं जिस लेवल पे पहुंचा हूं मेरे नीचे के लोग जो भरोसा करके आज डायरेक्ट सेलिंग में, माय लाइफस्टाइल में और इस टीम में आए, मेरे को उस लेवल तक लेके जाना है। तो आज टीम टीवीआई का इतना जबरदस्त जिसको बोलते सिस्टम है, इतना बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर विजन दिखाए जाते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो आज मैं तो फिर से धन्यवाद करता हूँ मुबीन सर को, उन्होंने बुलाया और आप लोगों के सामने कुछ बोलने का मौका मिला। और जो मुझे ठीक लगा आज के लिए जो सबके लिए मैसेज देना था वही था परफॉर्मेंस बोनस जो